लंच बॉक्स की तीखी डिश को चखने की बारी है जो अजय देवगन के जायके को खराब कर सकती है। अजय देवगन की फिल्म तानाजी की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर दो और फिल्मों से होने जा रही है और इसके अलावा एक और विवाद से फिल्म का नाता जुड़ गया है जिसमें अजय देवगन पर उनकी फिल्म के ट्रेलर में कुछ बदलाव करने की मांग उठ गई है। 10 जनवरी 2020 को होनी थी जंग, रजनीकांत ने चला हुक्म का इक्का, अजय देवगन को रजनीकांत से खतरा। अजय देवगन अपनी तेज धार तलवार लेकर खड़े हैं तो उनसे मुकाबला करने के लिए रजनीकांत भी अपनी तलवार लेकर तैयार हैं। जबकि इस लड़ाई में दीपिका पादुकोण भी कूद पड़ी हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि रजनीकांत, अजय देवगन और दीपिका पादुकोण के बीच तलवारें खिंच गईं? अपने अपने काम के महारथी इन तीनों की लड़ाई अगले साल जनवरी में होगी जिसकी वजह सिर्फ एक तारीख है और वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी को अजय देवगन, रजनीकांत और दीपिका की सबसे पहली और जबरदस्त, वैसे इस टक्कर को देखते हुए रजनीकांत की फिल्म के मेकर इस समय का ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हुए फिल्म की रिलीज डेट 15 जनवरी यानी पोंगल के दिन से आगे खिसकाते हुए उसे 9 जनवरी कर दिया और फिल्म को शुक्रवार के बदले गुरुवार को रिलीज करने का फैसला ले लिया। नहीं पड़ने वाला, हालांकि कहा जा रहा है कि तीनों फिल्मों के फैन अलग तरह के हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि एक साथ रिलीज होने की वजह से इन तीनों फिल्मों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। जहां तानाजी अजय देवगन की 100वीं फिल्म है और उसके जरिए उनका 30 साल पुराना सपना पूरा हो रहा है, ऐसे में उनकी फिल्म की टक्कर दो बड़ी फिल्मों से होने पर अजय की परेशानी जरूर बढ़ जाएगी क्योंकि रजनीकांत एक सुपरस्टार हैं और उनकी फिल्में अच्छी खासी रिकॉर्ड कमाई करने के लिए जानी जाती हैं। वहीं दीपिका पादुकोण की अपनी फैन फॉलोइंग है और उनकी फिल्में जबरदस्त हिट होती हैं। एक तरफ अजय पहले ही अपनी फिल्म की रिलीज के मौके को लेकर परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ट्रेलर रिलीज होते ही एक नए विवाद ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। एनसीपी नेता जितेंद्र आभार ने अजय की फिल्म पर इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट करके तानाजी के डायरेक्टर ओम राउत को सीधे सीधे धमकी दे दी। एनसीपी नेता जितेंद्र ने लिखा, ओम राउत, तुम्हारी तानाजी का ट्रेलर देखा, उसमें कुछ किस्सों में तुमने इतिहास से अलग और गलत चीजें घुसा दी हैं। उसे जल्द से जल्द बदल दे, नहीं तो इसमें मुझे अपने तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। इसे अगर आप धमकी समझ लें तो चलेगा। तानाजी पर काजोल के एक डायलॉग समेत कुछ सीन पर भी आपत्ति जताई गई है। लोगों ने फिल्म में छत्रपति शिवाजी की सेक्युलर छवि को बिगाड़ने की कोशिश का आरोप भी लगा दिया। आरोपों में काजोल के डायलॉग और छत्रपति शिवाजी को ब्राह्मण से जोड़ना गलत बताया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी के झंडे में ओम लिखने पर भी आपत्ति जताई गई है और दावा किया गया है कि छत्रपति शिवाजी के झंडे में ओम का निशान मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो राजपूत उदय भान के किरदार को काले और मुगलों की तरह कपड़े पहनाने पर भी सवाल उठाए हैं। एनसीपी नेता ने खुलेआम धमकी दी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का मानना है कि मराठा इतिहास पर वैसे ही काफी कम फिल्में बनती हैं। ऐसे में इसे विवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो एनसीपी नेता की धमकी को खोखली धमकी करार दिया। तुम्हारी धमकी इतनी खोखली है कि खुद ही उसे शर्मा गई और उसने आत्महत्या कर ली। एनसीपी नेता के आरोपों और धमकी पर अजय देवगन और फिल्म की टीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, लेकिन इस विवाद से निपटने के लिए अजय देवगन को कोई कदम जरूर उठाना पड़ सकता है। और अब कुछ हल्का और टेस्टी हो जाए। अवारा की सुपर 30 और वॉर की कामयाबी के बाद ऋतिक रोशन ने अपनी फीस बढ़ा ली है और कई बड़े डायरेक्टर से वो बढ़ी हुई फीस की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ऋतिक रोशन ने अपनी फीस को बढ़ाकर कितनी रकम लेने का फैसला किया है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये रकम अच्छी खासी है। शकुंतला देवी की शूटिंग खत्म करने के बाद सानिया मल्होत्रा ने फिल्म पगलेट की शूटिंग लखनऊ में शुरू कर दी है। इस फिल्म को एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स बना रही है। की फिल्म तूफान की 50% शूटिंग पूरी हो गई है। फरहान ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके इसकी जानकारी दी।
शादी के 10 साल पूरे होने के पर शादी की सालगिरह मनाने के लिए शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा जापान में छुट्टियां मना रहे हैं। इस दौरान दोनों का एक बूमरैंग वीडियो वायरल हो रहा है। नेहा धूपिया अंगद बेदी की बेटी मेहर की पहली झलक सामने आ गई है। दादा बिशन बेदी ने मेहर की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि जन्मदिन के मौके पर मेहर अपने मम्मी पापा के साथ उनकी पुश्तैनी हवेली पर गई थी। मल्टी स्टारर फिल्म पागलपंती आज रिलीज हो गई है। रिलीज से पहले मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी पागलपंती में जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, इलियाना डिक्रूज, अरशद वारसी, उर्वशी रौतेला, पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा मुख्य भूमिका में हैं। लंच बॉक्स की ये डिश बेहद करारी है, जिसमें क्रिस्पी तड़का सलमान खान ने लगाया है और अपने फैंस को ये डिश पकाकर परोस भी दी है। सलमान अब अपने फैंस के हर एहसास में उनके साथ होंगे, क्योंकि सलमान ने अपने फैंस के लिए दबंग स्टाइल में जिफ बनाए हैं। कभी शर्माते, कभी नाचते, कभी खुशी से झूमते तो कभी गुस्सा दिखाते, कभी हैरान परेशान तो कहीं इश्क लड़ाते सलमान खान। लेकिन सलमान ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब अपने फैंस के लिए भी। सलमान खान ने अपनी फिल्म दबंग 3 के लिए लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए अपने हर हाव भाव को रिकॉर्ड किया और उसे अपने फैंस के लिए शेयर करते हुए बताया कि अब उनके फैंस के लिए उनकी जगह सलमान हंसेंगे, सलमान रोएंगे, सलमान गुस्सा होंगे और सलमान ही इश्क लड़ाएंगे और वो सब कुछ करेंगे सलमान जो उनके फैन करना चाहते हैं। और ये सब कुछ होगा सोशल मीडिया पर। सलमान के फैंस को जब भी कोई हाव भाव दिखाने की जरूरत होगी, सलमान की दबंग स्टाइल वाला हर अंदाज उनके लिए मौजूद होगा, जिसके जरिए उनके फैंस सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात कह भी सकेंगे और किसी और की बात पर अपना। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की रिलीज के लिए सिर्फ 30 दिन का वक्त रह गया है, लिहाजा इस मौके पर सलमान ने अपने फैंस के लिए अपने खास अंदाज की जिफ बनाई है। जिफ सोशल मीडिया पर खूब हिट रहती है। जब भी किसी पोस्ट पर कोई रिएक्शन देना हो या कमेंट के साथ अपनी बात को मजबूती देनी हो तो जिप का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के बीच सलमान का जबरदस्त क्रेज है। ऐसे में सलमान के ये एक्सप्रेशन यानी हाव भाव वाले जिप लोगों के पास होंगे तो ये सोशल मीडिया पर खूब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि फिल्म के प्रमोशन की टीम ने फिल्म के लिए सोशल मीडिया पर क्रेज पैदा करने के लिए सलमान को हर पल के लिए मौजूद कर दिया है, जो जाहिर है सलमान के फैंस को खूब पसंद आने वाला है।